सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि वीवो फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग कैसे बंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी है वीवो का फ़ोन और उसमें आप लोग जब भी किसी से कॉल करते हैं या आपके फ़ोन पे कोई कॉल आती है तो आपको जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। आप चाहते हैं कि आप अपने वीवो फ़ोन की जो ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड हो रही है उसको बंद कर दें, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग अपने वीवो फ़ोन की ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास वीवो की डिवाइस और इसमें जो हमारी कॉल है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है। जैसे कि मैं अपने डायलर पैनल को ओपन करता हूँ और डायलर पैनल में मैं यहाँ पर कुछ भी डायल करूँगा, जैसे कि मैं आप लोग दिखा देता हूँ, बंद इट में जैसे डायल करता हूं तो यहां पे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं रिकॉर्डिंग सून दिखा रहा है, लेकिन यहां पे जैसे हमारी कॉल यहां पे चलने लगेगी तो कॉल है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं रिकॉर्डिंग सून दिखा रहा है और देख सकते हैं अभी हमारी जो कॉल है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं सेकेंड चलने लगे। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को बंद करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को अपने वीवो की सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन, फ़ोन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ मिलेगा रिकॉर्डिंग सेटिंग, यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेटिंग पे क्लिक कीजिए। अब ये यहाँ पे जो रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये जो टिक है, टिक है राइट का टिक, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही हैं। मुझे क्या करना है इसकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद करने के लिए, डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इस फ़ोन की जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने किसी भी वीवो फ़ोन की ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को डिसेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपने वीवो फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को अपने वीवो फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को बंद करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो ऐसे ही फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।